वही गोरख भाई जी को जो हमारे वही भगवान हैं, हम तो कहते भगवान उनके और हमारे से लंबी उम्र दे, और किसी के देखें हमारे बहुत देखें और किसी के गरीब को भाई के देखें। और बाबा की मदद करने के लिए देखिए उनकी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं, लेकिन आज तो खुशी के आंसू है ना ये। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दैट, रियली इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट यू। कि अगर आप लोग नहीं होते तो ये आज इस कामयाबी को ऐसे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्ष इकबाल और आप देख रहे हैं गो हैश दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं मालवीय नगर में, जहां मौजूद है बाबा का ढाबा। ये छोटा सा ढाबा है, यहां आप देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ जमा है। तो हम यहां पर देख, ये जो बाबा का ढाबा है ये 80 साल के जो बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने लॉकडाउन में इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत तंगी का सामना करना पड़ा। एक छोटा सा वीडियो वायरल होने के बाद उस वीडियो ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। चलिए हम बात करते हैं बाबा से कि आखिर कैसे उनका यहाँ तक का सफ़र उन्हें पूरा किया और उनको किस तरह से महसूस हो रहा है, कैसे उनको इस कामयाबी से उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार अम्मा, आपका नाम क्या है? बदामी देवी। आपकी उम्र? 80 साल। हाँ। आप ये काम कब से कर रही हैं? 90 से। तो आपके साथ यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है? पहले कोई ना रहा, अब बच्चे सियान भए तो करने लगे, बच्चे फिर काम में चल जाए, काम करते रहे तो उनका काम छूट गया, जॉब करा तो छूट गया, उधर लोग से तो छूट गया, कहीं काम ढूंढते कहीं नहीं मिलता उनको, तो वही अब बच्चे यही हैं, अब दोनों काम करते हैं, छोटा वाला बड़ा वाला, एक लड़की है, एक बच्ची की माँ है, उसकी बच्ची है 12 साल की है, सब हमारे परिवार एक ही में है, बहू है, पोतियाँ हैं, सब हमारे एक ही में है। वही गोरख भाई जी को जो हमारे वही भगवान हैं, हम तो कहते भगवान उनके और हमारे से लंबी उम्र दे, और किसी के देखें हमारे बहू देखें और किसी के गरीब को भाई के देखें। आइए हम बात करते हैं जिन्होंने बाबा का ढाबा, बाबा को एक राह दिखाई है और बाबा की आवाज़ जनता तक पहुँचाई है। आइए हम बात करते हैं उस मसीहा से जिन्होंने इन 80 साल के बुजुर्गों को एक उम्मीद दिलाई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है जी। तो आपने कैसे मतलब ये वीडियो बनाया, वायरल किया, आपके दिमाग मन में कैसे ये आइडिया आया? देखिए जी, मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और मैं ये सब चीज़ें करता रहता हूँ, बहुत सालों से करता आया हूँ, ढूंढता रहता हूँ। तो बस ऐसे यहाँ से मैं निकल रहा था और मेरे को देखा कि यहाँ पे एक बाबा का ढाबा है और दो बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता था कि मैं इनकी मदद करूँ और इसी तरीके से मैंने इनका सपोर्ट करना स्टार्ट किया, मदद करनी स्टार्ट की और वो मदद इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप देख सकते हैं लाइन लग चुकी है यहाँ पे और बहुत 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 प्यार मिला इस वीडियो को आप लोगों के ज़रिए। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नहीं होते तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो यही बाबा का ढाबा क्यों, अगर आप देखें तो हमारे देश में, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे ढाबे जिन पर लोगों की नज़र नहीं जाती है, क्या आप उन लोगों के लिए भी यही कोशिश करेंगे जो आपने इन बाबा के लिए? एब्सोल्युटली, देखिए एक पहल करने की ज़रूरत ही कहीं ना कहीं से, वो पहल इतनी बड़ी हो गई है कि अब ये एक नेशन वाइड टॉपिक बन चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे हाथ का नाक बनिए जैसे कि सब लोग चाहते हैं। और इसी तरीके से आप जितने भी लोग हैं आपके एरिया में, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो देश में, आप जाइए वहाँ पे, खोजिए ऐसे लोगों को, उनकी मदद करिए, मेरे को टैग करिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग वहाँ जा रहे हैं। और अगर मेरी कहीं पे भी आपको ज़रूरत या मदद की सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे टैग करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनकी मदद कर सकूँ किसी न किसी भी फॉर्म में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो देखिए, जो रातों रात चमत्कार होता है उसका परिणाम आपके सामने ही है और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे और बाबा के ढाबा हैं जिनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बाहर जाइए, मदद कीजिए, मदद का हाथ बढ़ाइए, क्योंकि जो वो मदद का हाथ है ना, वो सबसे बड़ा हाथ। जी, तो बताइए आप बाबा का ढाबा आपने कुछ खाया यहाँ पे? हाँ, मटर पनीर ट्राई किया था जैसा कि उन सर ने वीडियो में दिखाया था। तो आपको मटर पनीर खाने में कैसा लगा? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, बहुत ज्यादा टेस्टी। तो आप इससे पहले भी यहाँ आए हैं या फिर आप आज ही पहली बार आए हैं? नहीं, वैसे नॉर्मली आए हैं, बाबा के ढाबे में पहली बार आए हैं। तो आपको ये, आपने भी सोशल मीडिया पर देखा था ये? बिल्कुल बिल्कुल, फेसबुक। तो आप कहाँ से आए? इंदौर से।
और आप कहाँ से हैं? दिल्ली। हम यहीं से नियर बाय दिल्ली से। तो आप बाबा के ढाबे के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा ढाबा है, हम आए हैं यहाँ साकेत में, हम एक्चुअली काम के पर्पस से आए थे, बट हमने सोचा कि बाबा के ढाबे पे ढाबा नहीं है, ये घर की तरह ही है खाना, बिल्कुल कोई ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं है, ये बहुत अच्छा है, इसका घर की तरह ही फीलिंग है पूरी। चेक किया हमने, देख रहे हैं कि एक फाइव स्टार रेस्टोरेंट की आपने इतनी तारीफ नहीं सुनी होगी जी, बताइए। इनकी तरह और भी ऐसे बुजुर्ग हैं, उनको भी सपोर्ट कीजिए। तो आप क्या, आप अपने इंदौर जाएंगे तो इसी तरह के ढाबों को आप देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, और आप मदद करेंगे, मैं उम्मीद कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि बाबा के ढाबे का बोल बाला जो है वो इंदौर तक है जी। बाबा बताइए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या क्या बनता है आपके यहाँ? दाल चावल रोटी सब्जी। और इसकी कीमत क्या है दाल चावल की? फुल प्लेट चावल जो है 50 रुपए का है, हाफ 30 का है, दाल 30 रुपए का हाफ है, मटर पनीर जो 40 का हाफ है, और सब्जियाँ जो है 30 का हाफ है। तो अब कैसा लग रहा है कि आपके पास पहले जो है लोग ग्राहक नहीं थे और अब आपके पास टाइम नहीं है बाबा? हाँ जो हमारे पास टाइम तो है नहीं, बिल्कुल बिजी हो गए बाबा भाई। अब जनता से मुकाते हैं, इसे जनता सब बिजी हो, शुक्र है। हाँ अब आप देख सकते हैं कि बाबा के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जहाँ हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं कि 80 साल की उम्र में ये इतनी मेहनत के साथ ढाबा चला रहे हैं, वाकई हमारे लिए काबिले तारीफ है, और हम बाबा के जज्बे को सलाम करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हम सब मिलकर इस तरह के कई ढाबे खुलवाएंगे और इसी तरह के लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, ताकि लोगों के पास जो आर्थिक व्यवस्था से लोग गुजर रहे हैं वो ना गुजरें, सबके पास रोजी रोटी हो, सबके पास अपना काम हो और सब इसी तरह से बिजी हो जाए। दादी रातों रात आपकी किस्मत बदल गई है, इतनी परेशानियों के बाद एक नया सवेरा हुआ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, जब लॉकडाउन लगा तब 2 महीना इधर बंद कर रखे दुकान, 2 महीने के बाद फिर तक खोला था, तनि में चला, फिर उसके बाद में फिर एकदम डाउन हो गए, ना कोई उठा प्रधानमंत्री देखे कि कोई करे, केजरीवाल मोदी जी वही सब गरीब को राशन पताई बंटवाएं वही करें, और कोई भी नहीं ताके कि कहाँ गरीब है कहाँ का है, अपने आगे। अब गरीब को भगवान हमें मदद दिए तो हम कहते हैं कि भगवान सबको और हमारे सुधार दे, हम तो यही धर्म मनाते हैं कि सब खुशी रहे, अमीर जो खा कर सोए बढ़िया से, हमें सूखी रोटी खा के सोए। तो दादी आपकी अब दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है, कितना खाना बिक जाता है? पहले तो 1-3 पाव चावल बनाए तो बच जाए आधा, आधा लेके घर जाएं, आधा किलो दाल बनाएं तो वो उसमें से 2-4 जने आवन खाएं, नहीं तो वो भी नहीं, कोई ताकर कहे कि अब कोई आ जाए तो पैसा मिलेगा, नहीं कोई आवा 1 किलो आटा सानी इतने बिके आटा और सारी घर ले जाएंगे, सब्जी बनाई 1 किलो तो वो भी आधा बिके आधा घर लेके जाए। तो दादी अब क्या, अब कैसा है, अब कितना कमा लेती हैं आप? अब पता नहीं, अब हमें मालूम नहीं कितना कमा खा, हम अपना दूर रहते हैं, अपना बाहर बैठे रहते हैं, हमसे उससे नहीं उठवा कि हमें उठवा कि जाए देखें, जब हमारे आदमी देख रहे हैं परिवार के तो हम क्या देखें। आप क्या कहना चाहेंगे? देर आर अ नंबर ऑफ पीपल जिनके पास आज की डेट में नौकरी नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स को भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है, जॉब्स कम होने की वजह से काफ़ी लोगों को इफेक्ट पड़ा है, लोअर सेगमेंट के लोगों को, इवन टॉपर सेगमेंट के लोगों को, सैलरीड लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम रही है, इसी वजह से मार्केट में ट्रैफिक भी कम है। इन ऑर्डर टू हेल्प स्मॉल वेंडर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हेल्पिंग द पीपल द सप्लाई चेन कि उनको नौकरी मिले, जॉब मिले, वो अपने आप को सपोर्ट कर पाएँ, उसके लिए हायरेक पे फ्री जॉब्स, एवरी डे 15+ कंपनीज पोस्ट देयर जॉब्स ऑन आर प्लेटफॉर्म। तो आप गवर्नमेंट से क्या, इस चीज़ को लेकर आप गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? Our request to the government would be to incentivize the job structure so that ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ बढ़ें, as well as Smart India जो हमारा Make in India program है उसके ऊपर ज़्यादा investment की जाए, कुछ improvement की जाए, we ourselves are a startup, then it would help us, not only us but also the other startups as well, to create more jobs and help the whole supply chain all together. उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
अपनी आवाज़, इनकी आवाज़ दूर तक पहुँचाए। जब हमारी आवाज़ निकलेगी तभी दूर तक पहुँचेगी और इस तरह के कई लोगों की हमारी और आपकी वजह से ही मदद हो पाएगी। कैमरामैन महविश के साथ अर्श इकबाल।